हेलो गाइस, वेलकम बैक टू महक सक्षम। तो आज हमारे थर्ड एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डॉक्टर सीमा राय के पास और जानते हैं आखिर कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अपना स्ट्रेस। हेलो फ्रेंड्स, आजकल हर कोई स्ट्रेस में जीने लगा है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जिसे देखो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनी हुई है। और ये स्ट्रेस इतनी बीमारियों को जन्म देता है, स्पेशली द क्रॉनिक स्ट्रेस। इतनी बीमारियां होती हैं उसकी वजह से, जिस बीमारी का नाम ले लो उसके एक पॉजिटिव फैक्टर में क्रॉनिक स्ट्रेस है, भले वो हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, यहाँ तक कि कैंसर, स्ट्रोक और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइक गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, यू नेम द डिजीज एंड स्ट्रेस इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। तो आज मैं बात करना चाहूंगी आपसे, आपकी डे टू डे लाइफ में आप सिंपल सिंपल टिप्स क्या अपना सकते हैं जिससे कि आप इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से दूर रह सके। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो अगर जैसे सोर्स ऑफ स्ट्रेस आपका हो सकता है आपका जॉब, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फैमिली लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका जॉब के लिए ट्रैवल करना, सो आइडेंटिफाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेस एंड देन इफ यू कैन चेंज दैट इज द बेस्ट थिंग। इफ यू कैन गो फॉर अ बेटर स्ट्रेसलेस जॉब और अ रिलेशनशिप और फ्रेंड सर्कल विच गिव्स यू लेस स्ट्रेस, दैट इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप वो सिचुएशन को बदल ही नहीं सकते हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट। नाउ एक्सेप्ट करके स्ट्रेस से कैसे दूर रहें, इसके भी कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेवल पे ऐसे लोग जो आपको स्ट्रेस देते हैं उनसे कम से कम इंटरमिंगल करिए, थोड़ी दूरी बनाकर रहिए। और अगर वो घर में ही है, दूरी बनाना मुश्किल है, तो ट्राई टू मेक एन इनविजिबल, एक अदृश्य प्रोटेक्टिव सर्कल अपने अराउंड बना लीजिए, ताकि उनकी कही हुई बातों का बहुत ज़्यादा असर आपके मन पे ना पड़े, आपको लगे कि उनकी बातें वहाँ आके टकरा के वापस जा रही हैं, यानी परिस्थिति का असर आपकी मनस्थिति पे ज़्यादा ना पड़े। ऑल्सो ट्राई टू फॉरगिव एंड फॉरगेट दैट पर्सन। फॉरगिव नॉट बिकॉज यू हैव फॉरगिवन हिम, फॉरगिव हिम और हर अपनी हीलिंग के लिए आप उन्हें माफ कर दीजिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें फिर वो मौका दीजिए गलती करने का। यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ। किसी को हायर करना, फायर करना या अपने लाइफ में प्रमोट करना आपके हाथ में है, तो आप अपनी हीलिंग के लिए उनकी कही हुई बातों को भूल जाइए। और साइकोलॉजिकल लेवल पे एक बात और आप अपने मन में सोच सकते हैं, जैसे बीइंग अ डॉक्टर, जब मैं अपने स्टाफ से बात करती हूँ कि डिलीवरी के वक्त पेशेंट ने आप पे बहुत चिल्लाया था, आपका हाथ पकड़ लिया था, नोचा था, तो आपको बुरा नहीं लगा था? तो स्टाफ ने कहा, मैडम वो बीमार थी ना, तो बुरा क्यों लगना। तो इसी तरह से मेरे मन में ये बात आई कि जब कोई एक पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेव करता है, तो आप मेंटली ये सोच लीजिए कि वो तो मेंटली सिक है, वो बस पर्सन बीमार है, तो ट्राई टू नॉट रिलेट मच टू दैट पर्सन। हाँ, उसको ये बताना जरूरी है कि आपको उसकी कही हुई बातें पसंद नहीं है, क्योंकि जब तक सामने वाले को पता नहीं होगा कि आपको क्या पसंद नहीं है, तो वो गलती करता रहेगा। लेकिन पता होने के बावजूद भी अगर वो ऐसा कर रहा है, तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच पर्सन। तो ये तो हुआ साइकोलॉजिकल लेवल पे। अब फिजिकली आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छी टिप है मेडिटेशन करना सीखिए। अपनी लाइफ में 5 मिनट आप मेडिटेशन के लिए जरूर दीजिए। कई लोगों को मेडिटेशन एक रॉकेट साइंस लगती है, बट इट इज वेरी सिंपल। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल टिप टू मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन स्लोली इंक्रीज इट टू 15 और 20 मिनट्स ऑल्सो। मेडिटेशन का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। 5 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके काम प्लेस में बैठिए और डीप ब्रीदिंग करिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल।
इनहेल करते वक्त आप ऐसा महसूस करिए कि यूनिवर्स में से सारी अच्छाइयाँ, गुड वाइब्रेशंस, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, ऑल पॉजिटिव इमोशंस आर एंटरिंग योर बॉडी एंड देर रीचिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। और एक्सहेल करते वक्त आपके शरीर की जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, आपका स्ट्रेस, आपके शरीर की जितनी बीमारियां एट द सेल लेवल्स, दैट्स ऑल कमिंग आउट एंड वैनिशिंग इनटू द डीप इन्फिनिटी। एंड स्लोली आल्सो डू अ लिटिल स्कैन ऑफ द बॉडी, रिलैक्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर एंकल, योर थाइस, योर कोर, योर चेस्ट, नेक, फेस, कीप इट रिलैक्स एंड डू डीप ब्रीदिंग। और 5 मिनट मेडिटेशन के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो यू कुड जस्ट इंक्रीज इट ग्रेजुअली टू 10, 15 or 20 minutes ऑल्सो। और आपको स्ट्रेस से निजात पाने के लिए आपको ब्रीदिंग पे भी फोकस करना जरूरी है। स्पेशली प्राणायाम तो बहुत टाइप के होते हैं, बट स्पेशली 2 types ऑफ प्राणायाम हेल्प यू इन ओवरकमिंग स्ट्रेस। वन इज भ्रामरी, द अदर इज अनुलोम विलोम। ट्राई टू इंक्लूड दीज टू प्राणायाम्स इन योर डे टू डे शेड्यूल। भ्रामरी इज वेरी सिंपल, यू विल हैव टू क्लोज योर ईयर्स एंड आईज आफ्टर टेकिंग ए डीप इनहेल एंड देन मेक अ हमिंग साउंड आफ्टर स्लाइटली क्लोजिंग योर आईज जेंटली एंड योर ईयर्स मेक अ हमिंग साउंड। यू विल सी हाउ रिलैक्स यू फील विद ईच ब्रेथ। ऐसे 3 से 4 बार मिनिमम करिए और 3 से 4 राउंड ही अनुलोम विलोम की करिए, जिसमें आप एक नॉस्ट्रल से स्लो डीप ब्रेथ ले रहे हैं और स्लोली एक्सहेल फ्रॉम द अदर नॉस्ट्रल। आपकी इनहेल अगर 4 काउंट की है तो एक्सहेल 6 से 8 काउंट की हो, तो दिस वे यू विल बी इनहेलिंग गुड हेल्थ एंड एक्सहेलिंग योर स्ट्रेस आउट। सो दीज आर द 2 meditations विच यू कुड डू ऑन डेली बेसिस। इसके अलावा दिन भर जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आए, डू डीप ब्रीदिंग, टेक अ डीप इनहेल एंड अ डीप एक्सहेल। ऐसे 2-3 बार करेंगे, आप देखेंगे यू विल बी एबल टू कोप अप विद दो स्ट्रेस वेरी इजिली। रीजन कम क्लोज। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी वेगल नर्व स्टिम्युलेट होती है। वेगल नर्व इज द 10th क्रेनियल नर्व एंड इट इन्वॉल्व्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्ट्रेस में कॉर्टिजोल हाई रहता है जो आपको बहुत बीमारियां देता है, और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट होता है, योर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, दैट इज सिस्टम विच डील्स विद रेस्ट एंड डाइजेस्ट इज स्टिम्युलेटेड, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है और यू कुड डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गई, देन एक्सरसाइज। व्हेन यू एक्सरसाइज, व्हेन यू डांस, व्हेन यू स्विम, देर आर सम हार्मोन्स कॉल्ड एंडोर्फिन्स विच आर सिक्रेटेड। दीज आर फील गुड हार्मोन्स। तो जब ये एंडोर्फिन सिक्रेट होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। Definitely you will see after a session of Zumba or a session of yoga, आपको बहुत अच्छा लगेगा। So exercise is also very helpful in dealing with stress. And then pursue some hobby. If you like painting, you may like cooking, you may like gardening, तो ये कुछ hobbies अपनी, या music सुनना, cooking, whatever you like, उसको आप follow करिए। And ग्रूमिंग ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपना ख्याल रखोगे, अपने को ग्रूम करके रखोगे, आप शीशे में एक अलग ही इंसान को देखोगे एंड डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद योर सेल्फ। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ एंड डेफिनेटली हैव सम मी टाइम। जो आपको पसंद हो वो जरूर करें। गो फॉर सम स्पा, फॉर मसाजेस, वट एवर इज इफ पॉसिबल, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड Again, I would like to say, if you stay away from these chronic stresses by these simple tips, you will do a very big favor of yours to yourself in long run. You will stay away from lifestyle disorders like high blood pressure, diabetes, cancers, etc. And you will remain beautiful and young forever.
थैंक यू डियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। होप आप लोग को आज का वीडियो यूजफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वेनेसडे। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।